लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देने के बाद शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। आखिर लोकसभा चुनाव से पहले इस दल बदल के मायने क्या हैं और क्या इसका गढ़वाल लोकसभा सीट के टिकट से कितना वास्ता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद मनीष खंडूरी ने क्या कहा। दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे और उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी के भाई मनीष खंडूरी ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। देहरादून भाजपा महानगर कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मनीष खंडूरी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमें खुशी है कि मनीष खंडूरी भाजपा में आए। देश के विकास में पीएम मोदी के समर्थन में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में है, मान सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे। मनीष खंडूरी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हूँ, उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है। राज्य के विकास में उनका अहम योगदान है। देश को आगे ले जाने में सक्षम अगर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी ही है। इंसान अच्छे और बुरे हर जगह मिलते हैं। राहुल गांधी अच्छे आदमी, पर अगर इस देश का कोई नेतृत्व कर सकता है ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और नरेंद्र मोदी। मनीष खंडूरी ने भाजपा की सदस्यता देने पर कहा कि वह राजनीति में किसी निजी कारणों से नहीं आए हैं, ये उनके लिए संघर्ष का रास्ता रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद गढ़वाल सीट जहां छोड़कर आया हूं वहां भी अच्छे लोग हैं, लेकिन राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ही सही प्लेटफॉर्म है। मैं ना टिकट के लिए आया हूं और ना ही पद मांगा, मैं किसी निजी स्वार्थ के लिए भाजपा में नहीं आया हूं। मेरे जो कारण थे, जो जिस कारण में राजनीति में आया था, वो कारण थे किस तरह से इस देश का भला हो और इस उत्तराखंड का भला हो। निस्वार्थ आया था, मैंने कुछ मांगा नहीं था, और 4 या 5 साल मैंने इस लोकसभा में जो काम किया है वो मैं जानता हूं, और जिस तरीके से शहर शहर गांव गांव जाए वो मैं ही जानता हूं। जो मेरा तजुर्बा रहा है, सबसे पहले मैंने ये देखा है, और मुझे जैसे मैंने कहा, आपको पहले भी कहा है, कांग्रेस में मेरे साथी बने हैं, नेता बने हैं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैंने प्रीतम सिंह जी का नाम लिया था, रंजीत राव जी का भी नाम लिया है, करण मारा मेरे भाई हैं, यशवाल आर्य सज्जन आदमी। पर एक सोच जो है, जो जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो इस देश में या उत्तराखंड में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप इस देश को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है, और एक नेशनल लीडर जो कर सकता है वो नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मैं ऐसे इन सवालों में नहीं जाऊँगा। आप देखिए, ना तो मुझे 19 में टिकट की चाहत थी, अगर मुझे 22 में अगर टिकट भी मिल रहा था, अगर मैं विधानसभा का चुनाव में लड़ना चाह रहा था। और जहां तक यहाँ की बात, मैं छोटी बात या ऊंची बात नहीं करूंगा, जिसको पता है टिकट का क्या होने वाला था उसको पता है। सर, अपना पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बड़ी विरासत रही है खंडूरी जी यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं? मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये मेरे पिताजी, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार के पर बहुत एहसान किया। पिताजी को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी बहन को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं काम करना चाहता हूं, कहीं भी पार्टी काम देगी। मैंने पहले भी बोल रखा है, मुझे कोई, अभी भी बता रहा हूं, ना कोई टिकट की चाहत है, ना कोई पद की चाहत है, कोई मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है। और मैं आया हूं तो अपने विचार से आया हूं, मैं आया हूं तो कुछ सोच समझ के आया हूं, और मैं आया हूं निजी स्वार्थ के लिए नहीं। मनीष खंडूरी 2019 लोकसभा चुनाव में गढ़वाल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार थे, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मनीष खंडूरी इस बार भी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के तगड़े दावेदार माने जा रहे थे और उन्हें कांग्रेस से टिकट भी मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐन चुनाव से पहले मनीष ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। ऐसे में पहली चीज तो ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस गढ़वाल लोकसभा सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। दूसरी अहम चीज ये है कि बीजेपी गढ़वाल लोकसभा सीट से क्या मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर क्या मनीष खंडूरी पर दांव खेलेगी। माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में इन दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। उत्तराखंड की खबरों और रोचक जानकारी के लिए उत्तराखंड पोस्ट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें।
उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.uttarakhandpost.com पर।